नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ भारती बघेल। सुबह से शाम हो गई है, हम दिल्ली से आए हैं और नेशनल खबर की पूरी टीम आज चंडीगढ़ के हिम्स हॉस्पिटल में पहुंची है। इन टबों को देखकर मुझे भी एक बार को लग रहा है कि मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूँ, हालत खस्ता हो गई है। लेकिन फिलहाल हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि हिम्स हॉस्पिटल में डायलिसिस कैसे होता है, और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जाने माने आयुर्वेदा विशेषज्ञ आचार्य मनीष जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर पर। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारे हिम्स का डायलिसिस वार्ड। आपने बहुत सारे डायलिसिस के सेंटर्स देखे होंगे जहाँ पेशेंट साढ़े चार चार घंटे मशीनों के साथ लेटे रहते हैं, उनका डायलिसिस होता है और घर का एक व्यक्ति बाहर बैठा होता है, उसकी नौकरी जा चुकी होती है। क्योंकि किडनी फेल के पेशेंट में होता क्या है, किडनी फेल के पेशेंट में होता ये है कि डायलिसिस कराना पड़ता है हफ्ते में दो बार या तीन बार। तो यहाँ ये लोग, ये जो पेशेंट बैठे हैं, मैं चाहूँगा इनसे बात भी करें हम, यहाँ उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग 40 डिग्री मैक्सिमम और उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे, जैसे इनका टेम्परेचर सेटल है सामने और एक गर्म पानी का टब है, तो इनसे ही बात करते हैं। सर आप बताइए, आप कहाँ से आप आए हो और क्या तकलीफ थी आपको? मेरा नाम लखजिंदर सिंह है, मैं बठिंडा पंजाब से आया हूँ। तो आज मेरा लास्ट डे है, मुझे किडनी की प्रॉब्लम थी। जब मैं पहले, मुझे नींद नहीं आती थी, जब जहाँ से आया हूँ तो मुझे नींद और घबराहट नहीं हुई, तब से मैं बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? 7 दिन हो गए सर। 7 दिन पहले जब आप आए थे आपको क्या क्या तकलीफ थी? 7 दिन पहले मेरा बीपी हाई था और घबराहट होती थी और नींद नहीं आती थी, अब वो प्रॉब्लम नहीं है। आपको देश के, पूरे देश के नेशनल खबर के दर्शक देख रहे हैं, तो आप ये देखिए कि इस टब में बैठने से कोई दिक्कत परेशानी होती है आपको? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती, बल्कि फायदा लगता है। जी जी बिल्कुल, हल्का लगता है। हल्का लगता है। घर जाके इस थेरेपी को कंटिन्यू करोगे? जी बिल्कुल, हमने तो टब भी परचेज करने का सोच लिया। अच्छा, मतलब घर में टब भी खरीदोगे आप? जी। अब आप देखिए, नीचे पानी गर्म है, टेम्परेचर लगभग 38 या 40 डिग्री होता है, और सिर के ऊपर यहाँ पे गीला कपड़ा रखा हुआ, मतलब शरीर नीचे गर्म रखना है, सिर ऊपर से ठंडा रखना है। तो ये है हमारी हॉट वाटर इमर्शन टब थेरेपी बोलते हैं जिसको। एक और पेशेंट है हमारे साथ, और भी मरीज मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम विजेंद्र कुमार है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, यहाँ से करीब 2000 किलोमीटर दूर से। मैं मनीष सर जी का यूट्यूब देखने के बाद ही, मतलब इंस्पायर होकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं पिछले 12-13 साल से शुगर का पेशेंट हूँ और ये बीपी अभी मुझे डायग्नोस हुआ है करीब साल भर से। तो यहाँ आने के बाद सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, 2-3 दिन में मेरा बीपी एकदम, शुगर एकदम नॉर्मल बता रहा है बिना दवाई का, और बिना दवाई के शुगर नॉर्मल है, बिना दवाई के शुगर, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। और बीपी भी जहाँ तक धीरे धीरे करके कंट्रोल हो रहा है, मेरा आज यहाँ दूसरा दिन है और बाकी सब तो ठीक ठाक है। देश के लोग देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ वाले, महाराष्ट्र वाले, सब आपको देख रहे हैं। हाँ। क्या कहना चाहोगे उनको आप? आपको किडनी अगर प्रॉब्लम है तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार हिम्स जरूर आइए यहाँ डेरा बस्सी में और अपना ट्रीटमेंट कराइए, जरूर फायदा होगा 100%। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हम कुछ और मरीजों के पास भी जाएंगे। सर आपका नाम? सबसे पहले हमारी डॉक्टर अनु इस वार्ड में मौजूद हैं। तो डॉक्टर अनु, आप नेशनल खबर चैनल वाले आज सुबह से हमारे हॉस्पिटल में हैं, पूरा हम इनको पंचकर्मा वार्ड, हमारा डायलिसिस वार्ड जिसमें टब्स लगे हुए हैं, हमारा खाने की जगह, नेचुरोपैथी का स्पेस, डॉक्टर नेचुरोपैथी के डॉक्टर संजय श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर अनु, आप इन थेरेपीज़ के बारे में और इस जो थेरेपी है जो आयुर्वेद में पुरानी वर्णित है उसके बारे में दर्शकों को बताएं। थैंक यू आचार्य जी। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि पेशेंट्स टब में बैठे हुए हैं, तो टब का टेम्परेचर जो है अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्री होता है। तो ये चाहे सेंसर्स लगे भी हुए हैं तब भी हम मैन्युअली उनका टेम्परेचर चेक करते रहते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि आयुर्वेद में वर्णित जो चरक संहिता है, जो हमारी सबसे पहली जिसको बोलते हैं कि मेडिसिन की बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 14 श्लोक नंबर 44 आचार्य जी, उस पर इसके बारे में लिखा गया है कि अवगास वेद इस डायमेंशन के टब में इतना पानी भर के इतना टाइम बैठने से जो मूत्र क्रीच और मूत्र घात, मतलब अगर मॉडर्न साइंस के साथ में उसको कोरिलेट करके समझें तो दैट इज़ CKD ओनली। तो जो CKD के पेशेंट्स हैं वो अगर इस टब में बैठते हैं तो वो उनकी चिकित्सा का एक पार्ट है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, बहुत हज़ारों वर्ष पुरानी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस चेंज कर दिए गए, बीच में बहुत कुछ ऐसा होता रहा कि हमारी पुरानी चीज़ें जो लुप्त होती गई उनको दबा दिया गया, उनको हटा दिया गया या छुपा दिया गया।
तो ये हम लोग खुशकिस्मत हैं कि जो ये नया ग्रेड सिस्टम आप डॉक्टर विश्रुप ने आपने और सबने मिलकर दोबारा से डेवलप किया, तो इसमें ये चीज़ वापस निकल कर आई है सामने। तो पेशेंट आपके सामने बैठे हैं 40 डिग्री टेम्परेचर पे, जब ये लोग यहाँ पे बैठते हैं 2 घंटे के लिए इसके अंदर, तो अंदर और बाहर की बॉडी के टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो अंदर की काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं, तो उससे जो 4 चीज़ें का इफेक्ट आता है, सोडियम की एक्सक्रीशन बढ़ती है, पोटाशियम की एक्सक्रीशन बढ़ती है ना, और फ्लूइड लोड कम होता है, बिल्कुल वही चीज़ें जो हीमोडायलिसिस में होती हैं, वही चारों चीज़ों को मिला के डायलिसिस होता है जो इस टब में बैठने से हमारे पेशेंट्स के ऊपर हम करते हैं, और वो उनसे उनको लाभ होता है, उनका डायलिसिस छूट जाता है जिनका नहीं। ये तो मानना पड़ेगा कि आपने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है, आप सभी लोग मिलकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मरीजों तो के पास चलते हैं और पेशेंट से जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे साथ एक पेशेंट है, सर आप कहाँ से आप आए हो? नमस्कार, मैं गुलाब सचदेवा करनाल से आया हूँ। करनाल से आप आए हो, क्या तकलीफ थी आप जब आए थे? किडनी प्रॉब्लम थी, वेट बहुत मेरा राइज था, फ्लूइड बहुत भरा हुआ था, अप्रोक्सीमेटली 16-17 kg फ्लूइड अंदर बॉडी के अंदर था, जो कि 7 days के अंदर मैंने इसको खत्म कर दिया है। 7 दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर 17 kg वजन मेरा खत्म। 7 दिन के अंदर 17 kg वजन कम हुआ, जब पूरी बॉडी आपकी स्वेलिंग थी, स्वेलिंग भरा हुआ था, वो सब निकल गया। अब बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं है, अब पैरों में पैर बिल्कुल नॉर्मल है, जो पहले मोटे मोटे हो गए थे। हाँ जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, 6 साल से मैं इंसुलिन ले रहा था। कितने यूनिट? अप्रोक्सीमेट 60 units ले रहा था, 30-30, 10-10-10 ब्रेकफास्ट लंच डिनर से पहले, और लेंटिस ले रहा था रात को 30 units, वो बिल्कुल छूट गया है, मेडिसिन बिल्कुल छूट गया है शुगर की, और अब एकदम नॉर्मल है। तो मैडम आप देख रहे हो, नेशनल खबर देख रहा है ये चीज़ कि 60 यूनिट इंसुलिन रोज की चल रही थी और वो बिल्कुल बंद हो गई है। और सबसे बड़ी बात, सारी बॉडी में जो इतने मोटे मोटे पैर हो गए थे इनके, 17 kg वजन, यानी कि जो पूरी बॉडी में फ्लूड भर चुका था, वो सब बॉडी डिटॉक्स हो गई। और आयुर्वेद तो कहते हैं ना, सर्वेशाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि सर्व रोग दुनिया में जितने भी हैं, निदान है कुपित मल को निकालना। तो ये गंदगी को निकालता है ये पानी के, जब टब में गर्म पानी में टेम्परेचर को सेटल करके हम बैठते हैं तो होता क्या है, पसीना निकलता है, टॉक्सिन्स निकलते हैं। तो और भी एक पेशेंट से मिलते हैं, तो सर आप बताइए कहाँ से आप आए हो और क्या तकलीफ थी आपको? अंचल कुमार पटवा, MP से हूँ, होशंगाबाद ज़िले से। देखा किडनी की प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन 9 का, और इधर आने के बाद 5.8 आ गया है। 7 दिन? कितने दिन में? 7 दिन हो गए पूरे। 7 दिन में आप कितना अच्छा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। आप देश के लोगों को क्या कहना चाहोगे, मध्य प्रदेश आपको देख रहा है? एक बार फिर मतलब यदि किसी को तकलीफ है तो इधर आए जरूर, उससे उसको रिलीफ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। और भी पेशेंट है हमारे पास, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक तो पानी के टब की थेरेपी होती है ये आप खूब सारे टब्स यहाँ देख रहे हो, मैं चाहूँगा कैमरे में सब दिखा दीजिए। एक यहाँ पे बेड है जिसमें सिर नीचे है और पांव ऊपर है, तो इस तरह इसमें हम हेड डाउन टिल्ट बोलते हैं, इसमें सिर नीचे और पांव ऊपर है। और हमारे बीच में डॉक्टर अमर सिंह आजाद जो MBBS MD हैं, वो भी मौजूद है। मैं चाहूँगा आप डॉक्टर साहब से ही जो भी सवाल आपको लगता है इस थेरेपी को लेके, किडनी को फेयर को लेके, क्योंकि डॉक्टर साहब MBBS में डबल MD हैं, पीडियाट्रिक्स में भी और कम्युनिटी मेडिसिन में भी। तो डॉक्टर साहब आप क्या बोलना चाहोगे, किडनी फेल इतना बढ़ रहा है आजकल दुनिया में, एक बार नेशनल खबर को बताएं। मैं दुनिया भर के लोगों को, जहाँ पे भी किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, उनको ये यही कहना चाहूँगा कि मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के पास जो दो चीज़ें हैं, या तो डायलिसिस है या किडनी ट्रांसप्लांट है। किडनी ट्रांसप्लांट की दिक्कत ये है कि ज़्यादा इसकी पहली बात तो डोनर ढूंढना पड़ता है, दूसरी बात कि किडनी ट्रांसप्लांट कितनी देर चलेगा कोई सर्टेनिटी नहीं है, और थोड़े सालों के बाद ये फेल होने लगता है, और बहुत कॉस्ट वाइज भी बहुत हाई है। डायलिसिस जितनी बार भी करेंगे उतनी बार किडनी और नीचे जाएगी, क्योंकि अगर आपने नकली डायलिसिस करना शुरू कर दिया तो नेचुरल किडनी की काम नीचे जाता है। मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के पास किडनी को रिवाइव करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो हमारा सिस्टम है होलिस्टिक हेल्थ केयर का, इसमें ये जो टब का सिस्टम है ये इसका एक पार्ट है, बाकी हम डाइट से लेके मेडिटेशन तक सब कुछ करवाते हैं, ये भी उस प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है। ये वाला जो टब वाला सिस्टम है ये भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे पूरी की पूरी बॉडी का जो फिजियोलॉजी है, जो उसकी वर्किंग है, ये हाइटन अप होती है, बढ़ती है, और उसमें किडनी भी ठीक हो जाती है। ये सभी बीमारियों में बहुत बढ़िया एक हमारे लिए टूल है हील करने का या बीमारी को रिवर्स करने का। और किडनी डिजीज में तो हमने देखा कि बहुत बढ़िया काम करता है ये,
और धीरे धीरे किडनी जो है वो फिर से रिवाइव होने लगती है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो किडनी के पेशेंट में तो काम करता ही है, लीवर फेल में भी काम करता है, कैंसर में भी काम करता है। अभी मैं आपको एक पेशेंट दिखा रहा हूँ, ये बैठे हैं हमारे साथ। इनको इसको मैं चाहूँगा, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव हमारे साथ हैं नेचुरोपैथी के। डॉक्टर साहब आप बताएं ये पेशेंट क्या कर रहा है और इस थेरेपी को क्या बोलते हैं आप और क्यों करते हैं ये? जिन पेशेंट्स के पैर में काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है, इसको पेडल एडिमास कहते हैं, पैर में स्वेलिंग्स बहुत ज़्यादा है, स्टिफनेस है, इवन जिनके बीपी काफ़ी हाई रहता है वहाँ पे हम उनको लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शंस कहते हैं, जहाँ दोनों पैर हम घुटने तक गर्म पानी लगभग 42 डिग्री टेम्परेचर में डिप करते हैं और स्वेलिंग होने के कारण इसमें हम हल्दी, नमक, फिटकरी, पानी दिखाइए आप सॉल्ट क्या क्या डालते हैं आप? नमक, हल्दी, सॉल्ट और फिटकरी, इन सब का काम है। ना केवल ये हमारे स्वेलिंग्स को खत्म करते हैं, बट अंदर जो फ्लूड्स जमा है उसको भी बाहर निकालने में मदद करते हैं, पैर के थ्रू सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इस थेरेपी को लगभग आधा घंटा लिया जाता है, इसके बाद पेशेंट को बहुत रिलीफ आता है, 2 से 4 दिन में हम देखते हैं बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आते हैं। तो ये हल्दी सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सब नेचुरल है, बाकी पेशेंट ज़्यादा बेटर है। मैं अभी 19 तारीख को यहाँ पे एडमिट हुआ हूँ और 3 दिन में तीसरा दिन मेरा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को। इसके पहले मैं भी शुगर के लिए जो इंसुलिन लेता था, अभी इंसुलिन मेरा छूट गया है। और कितने दिन से? परसों से। कितनी इंसुलिन लेते थे पहले आप? सवेरे 8 यूनिट, शाम को जो है 6 यूनिट लेते। कितने सालों से ले रहे थे? 3 साल से। 3 साल से सवेरे 8 और शाम को 6, 14 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे और आज तीसरा दिन हो गया, इंसुलिन इनकी बंद हो गई है। ये चमत्कार है आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, पंचकर्मा का। तो मैं चाहूँगा नेशनल खबर को कि एक पेशेंट जो हमारे साथ, ये सबसे पहले आप बीमार होते हैं, बीपी या शुगर होता है, आपकी एलोपैथी में एक गोली शुरू होती है, 6 महीने साल 2 साल बाद आपको दवाई असर नहीं करती, गोली 2 हो जाती है, कुछ टाइम बाद आपको दूसरी बीमारी जोड़ों का दर्द आ जाता है उसकी गोली शुरू होती है, फिर कुछ साल बाद किडनी पे या लीवर पे असर आता है, उसके बाद आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर पता लगता है आपको कोई और बीमारी हो गई, इस तरह एक गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली, चौथी गोली और गोलियां गोलियां गोलियां, कितनी गोलियां खाओगे? अगर शुरू में ही जब पहली बीमारी आई थी उसी वक्त आयुर्वेद की शरण में आ जाते, बीमारी की जड़ पर काम करते, तो दूसरी, तीसरी, चौथी गोलियां नहीं खानी पड़ती। इसीलिए बोल रहा हूं देश का आयुर्वेद महान है, तो आइए आयुर्वेद के डॉक्टर से 1-to-1 बैठ के सलाह लो, मिलो, बैठो, कंसल्ट करो और अपनी बीमारी की जड़ पे काम करो। हिम्स हॉस्पिटल अब आपके शहर में भी खुल गया है, दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, डेराबसी, अमृतसर, लखनऊ, जयपुर, जोधपुर, मुंबई, लुधियाना, जीरकपुर, संगरूर वह अन्य शहरों में भी खुल चुका है। अगर आप भी अपनी किसी भी बीमारी का समाधान पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। डॉक्टर अनु भी हैं, डॉक्टर अनु आप बताइए, दिखाइए पहले एक बार, मैं चाहूंगा बेड दिखाइए नीचे से, ये बेड नीचे बिल्कुल एक साइड से झुका हुआ है, एक साइड से उठा हुआ है, ये 10 डिग्री का इसका कोण है। तो डॉक्टर अनु आप बताएं कि इस तरह लेटने का नेशनल खबर को कि क्या बेनिफिट है? जिस तरह से पहले हमने हॉट वाटर इमर्शन की बात की, तो ये इस थेरेपी को कहते हैं हेड डाउन टिल्ट, मतलब हेड डाउन करके एक टिल्टेड बेड पर पेशेंट लेटते हैं। तो वैसे तो डॉक्टर अमर सिंह ने भी बताया पहले इसके बारे में, तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इस एंगल से उस सर्कुलेशन को ही टारगेट किया जाता है और उसी से ही जो किडनी रिवाइव होने का जो प्रोसेस है वो होता है। जो रिवाइव होना माने वो अपनी फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देती है ये। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी रहते हैं जिनको सपोज करो कि वो किसी रीज़न से हॉट वाटर इमर्शन नहीं भी ले पा रहे हैं या वो एक थेरेपी नहीं भी कर पा रहे हैं, तो दूसरी थेरेपी ही उनको दिन में 2 बार करके 4 घंटा कंप्लीट करनी है। तो बेसिकली जो टारगेट है कि 4 घंटे का हीमोडायलिसिस और 4 घंटे की ये थेरेपी कंप्लीट करना है, तो इस थेरेपी को या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थेरेपीज को 4 घंटा कंप्लीट करना होता है, तो देन बॉडी गोज ऑन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डायलिसिस। फिर जैसे जैसे टाइम होता होगा वैसे वैसे टाइम घटता भी चला जाता होगा ना वक्त के साथ साथ, जैसे अभी आपने बोला चार घंटे उसके बाद टाइम कम होता है? इस तरह से नहीं है, वो तो ये है कि 3 मंथ्स तक पेशेंट को सेम प्रोटोकॉल ही फॉलो करना होता है और उसके साथ धीरे धीरे करके सिम्टम्स, जो सिम्टोमेटिक रिलीफ है वो पेशेंट को अपने आप महसूस होनी शुरू हो जाती है। वही हम उनको सिखाते हैं कि आपने सिम्टम्स को किस तरह से ऑब्जर्व करना है थेरेपीज करने से पहले, करते हुए और उनके बाद,
बीपी मॉनिटरिंग करना है या दूसरे सिम्टम्स मॉनिटर करने हैं। तो जैसे कि अगर आप डायलिसिस मशीन पे जाके देखेंगे तो वो चार घंटा मतलब चार घंटा ही होता है। जैसे मैंने और आपने पानी पिया, आपने पानी पिया तो वो डेली बेसिस पर हमें यूरिन पास करना है उसको, उस फ्लूड को निकालने के लिए। तो उसके लिए जो एक प्रोसेस है हमारी हमारी जो बॉडी में होती है, जो किडनी जिस प्रोसेस से निकलती है, उस प्रोसेस को अगर वो नेचुरल वे से नहीं कर पा रही है तो उस तक तब तक हमने ये चार घंटा करते रहना है जब तक वो वापस हमारा यूरिन आउटपुट बिना कुछ किए उस तरह से नहीं आ जाता है। और पूरा ध्यान रखा जाता है जब पेशेंट को हेड डाउन टिल्ट में लिटाया जाता है, पहले बीपी चेक होता है, बीच बीच में बीपी चेक होता है, ये जो पेशेंट भी बैठते हैं टब के अंदर इनका भी बीपी चेक होता है, और उसके बाद वजन चेक होता है, फिर जब थेरेपी से निकलते हैं उसके बाद वजन चेक होता है। मैं आपको एक और पेशेंट से मिलवाना चाहूँगा। ये आप कहाँ से आप आए हो? सर ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर मध्य प्रदेश से। क्या तकलीफ थी जब आप आए थे यहाँ पे? सर मेरी शुगर और बीपी और सीकेडी का पेशेंट था। ठीक है। 7 दिन में मेरी शुगर बिल्कुल कंट्रोल चल रही है बिना मेडिसिन और बीपी भी। हाँ जी। और मेरे बहुत स्वेलिंग थी बॉडी में, अब बहुत रिलैक्स है और मेरे क्रिएटिनिन में भी बहुत अंतर आया। तो देश के लोगों को क्या बोलना चाहोगे आप? देश के लोगों को बोलूंगा कि सीकेडी के लिए परेशान ना हो, सीधे हिम्स हॉस्पिटल की रास्ता पकड़े। तो हिम्स हॉस्पिटल अभी चंडीगढ़ में है, गुड़गांव खुल चुका है, जोधपुर में है, जयपुर में है, अमृतसर में शुरू हो चुका है, लुधियाना में शुरू हो चुका है, चंडीगढ़ जीरकपुर में डे केयर शुरू हो चुका है, तो ऐसे ही दिल्ली में शुरू हो चुका है, मुंबई में 3 महीने में शुरू हो जाएगा। तो ये हिम्स हॉस्पिटल एक नेचुरल तरीका है अपनी ही बॉडी को खुद ठीक करने का। हिम्स किसी को ठीक नहीं करता, हिम्स सिर्फ रास्ता दिखाता है अपने आप को अपना डॉक्टर खुद बनने का। एक पेशेंट और है हमारे साथ, मैं चाहूँगा एक चीज़ और देखने की, नोटिस करें, कैमरा पास लाएँ। ये पंखा लगा होता है जो बिल्कुल चेहरे के पास होता है, ये पंखा इनको सफोकेशन, जो गर्म पानी में बैठने से जो इनका सांस फूलता या सफोकेशन होता है वो नहीं होने देता, और सिर के ऊपर ठंडे पानी को रखने से हमारे सिर का टेम्परेचर कम रहता है, बॉडी का टेम्परेचर हमें बढ़ाना है तो बॉडी से पसीना निकलता है, पसीना निकलने से आपकी जो बॉडी में एक्सेस फ्लूड्स हैं चाहे क्रिएटिनिन, यूरिया, पोटेशियम, सोडियम, कुछ भी, वो सारा वेस्ट इस पानी में आ जाता है। तो सर आप कहाँ से आप आए हो, क्या तकलीफ थी? जी मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था और पैर में इंसुलिन था। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? 3 दिन हो गया सर। 3 दिन में कुछ 19 से किस फायदा लग रहा है? बहुत फायदा हुआ। क्या फायदा लग रहा है बताओ? ये पाँव में सूजन था कम हो गया बहुत ज्यादा। ओके। और क्रिएटिनिन भी कुछ कम हुआ है। क्रिएटिनिन भी कम हो गया, पैरों में सूजन भी कम हो गया। सूजन भी कम हो गया जी। तो भारती मैडम आपने हमारा डायलिसिस सेंटर देखा हिम्स के अंदर, सुबह से आप हिम्स में हो, डॉक्टर अनु भी मेरे साथ हैं, तो आप लोग ये देख रहे हो कि नेचुरल तरीके से दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आपको ठीक कर सकता है, वो शीशे में नज़र आता है। तो शीशे में नज़र कौन आता है आपको पता है? इंसान स्वयं। तो जो स्वयं शीशे में नज़र आए वही इंसान धरती पे चाहे किडनी फेल हो, चाहे लीवर फेल हो, चाहे स्टेज 4 कैंसर हो, चाहे ऑटोमिन डिजीज हो, आप ठीक हो सकते हो। बस शीशे में जाके देखो कौन ठीक करेगा जो शीशे में नज़र आ रहा है। तो अपने अंदर के भगवान को जगाइए, धरती जल अग्नि वायु आकाश इन 5 तत्वों को बैलेंस कीजिए, यही हमारा आपसे कहना है। मैं चाहूँगा डॉक्टर अन्नू लास्ट में एक कमेंट दें और अपनी इस एपिसोड को, इस शूट को हम क्लोज करें। डॉक्टर अन्नू जी, थैंक यू आचार्य जी। इसमें ये है कि ये जो 2 थेरेपीज हैं और प्लस जो डाइट है जो कि पंचकर्मा और पंचकर्मा इसका जो कॉम्बिनेशन एक पूरा प्रोटोकॉल है जो बड़ा सोच समझ के डिज़ाइन किया गया है, और जो डाइट है वही बेसिकली हमारी मेडिसिन है। और ये अभी का नहीं, ये आयुर्वेद का ही कॉन्सेप्ट है। अगर हम आयुर्वेद में ट्रीटमेंट चिकित्सा सूत्र की अगर हम बात करते हैं ना कि चिकित्सा कैसे करनी, तो उसमें सबसे पहला स्टेप आता है आहार, फिर विहार मतलब लाइफस्टाइल। तो हम लोग भी जब पेशेंट्स की यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं, अगर आप इस प्रोटोकॉल को पूरा स्टडी करेंगे देखेंगे तो उसमें वही आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स हैं कि आहार पेशेंट का चेंज किया, उसका विहार मतलब उसके लाइफस्टाइल चेंज किया, उसके बाद में उसकी बॉडी का शोधन किया, मतलब इस पानी में बैठने से देखिए जैसे पहले होता था तालाबों में खड़े होने से बोला था कि पूजा करने से शुद्धि होगी, तो फिर ये बोला गया कि सब डकियानुसी बातें हैं, ऐसे ही बोला जाता है ना कि डकियानुसी बातें हैं, कैसे शुद्धि हो जाएगी, इस तरह से शुद्धि होती है मैम। तो इसमें क्या रहता है कि वो बिल्कुल साइंटिफिक चीज़ें थी कि उन तालाबों में सूर्य की रोशनी में खड़े होके, मतलब वो गर्म पानी है, डायरेक्टली आपको विटामिन डी भी मिल रहा है, विटामिन डी उधर से बॉडी अब्जॉर्व कर रही है जो किडनी के फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे एरिथ्रोपोइसिस भी होगा यानी खून बनने की प्रक्रिया भी होगी। तो और सेम एट द सेम टाइम हम लोग यहाँ तक पानी में खड़े हैं, और उससे वो यही था, वो हॉट वाटर इमर्शन था, वो अफगा था, मोहन जोदड़ो में देखिए, अमेरिका की हिस्ट्री खोद के देख लीजिए, इतिहास में जाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। ये सारा वो साइंस है। बिल्कुल। तो यही है कि ये सब कुछ घर पे करके भी ठीक हो सकते हैं,
तो हॉस्पिटल में तो लिमिटेड जगह होती है हमारे पास, हम भी रोज़ पेशेंट्स को वापस भेजते हैं। तो बेसिकली यही है कि घर पे भी कर सकते हैं ये सारा। आचार्य जी लगातार उम्मीद मतलब कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट घर पे ना जाए, उसका हॉस्पिटल में इलाज हो जाए। आप लोगों को जो शाखाएं खुलती जा रही हैं, नई शाखाएं खुल रही हैं, क्योंकि भारत की आबादी 140 करोड़ है और आप देखो देश के अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं और हम लोगों के पास दुबई से, सिंगापुर से, कई तरफ से लोग आ रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कुछ बातें जो सारे भारत को अपनानी चाहिए। नंबर एक, रोज़ सुबह उठ के पहला काम उकड़ू बैठकर 5 मिनट लगाकर एक गिलास गर्म पानी या हर्बल टी पीनी है। जो भी खाना है चबा चबा के खाना है, कभी भी खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना। रात को ब्रश करके सोना है, सोते टाइम सिर पूरब या दक्षिण में होना चाहिए। और इसके अलावा रोज़ सुबह नंगे पाँव 15 से 30 मिनट नंगे पाँव मिट्टी पर या घास पर घूमना जरूरी है। और जब भी खाना खाओ 2 प्लेट लेकर खाना है, पहले सलाद या फ्रूट की प्लेट खाना है, उसके बाद खाना खाना है। अगर आप छोटी छोटी बातों को अपनाओगे, चबा चबा के खाओगे। और एक जरूरी बात, जिस दिन मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, उस दिन खाना नहीं खाना। और जिस दिन बारिश का मौसम, उस दिन हल्का खाना खाना है। लेकिन हमारे घरों में उसी दिन पकौड़े याद आते हैं, उस दिन भटूरे याद आते हैं, उस दिन कचौड़ी याद आती है। तो हमें भारतीयों को सुधरना पड़ेगा। खाने को पीना है, पानी को चबाना है, मतलब पानी भी घूट घूट करके पीना है। और मैं सबको बोलना चाहूँगा, किडनी फेल का एक बहुत बड़ा कारण है इंडियन टॉयलेट सीट का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ब्लैडर पूरा खाली नहीं होता। तो पूरे भारत से अपील है, इंडियन टॉयलेट सीट शुरू करो। अब आप बोलोगे हमारे घर में तो इंग्लिश टॉयलेट सीट है, तो आप क्या करो, इंग्लिश टॉयलेट सीट पर बैठो, एक स्टूल लगा लो, एक स्टूल के ऊपर पाँव रख लो और स्टाइल इंडियन कर लो। और मैं सबको बोलना चाहूँगा, पेशाब भी करना है तो बैठ के करिए। हमारे दादा परदादा सब बैठ के यूरिन करते थे, ब्लैडर पूरा खाली होता था। बहुत सारे कारण हैं जिनसे किडनी फेल होती है। अपने आहार को बदलिए, विहार को बदलिए, इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए और अपना डॉक्टर खुद बुनिए। और मेरे हिसाब से आपके सामने डायलिसिस वार्ड है, पूरा हिम्स हॉस्पिटल है, आप पेशेंट्स को सब दिखा रहे हो। मैं चाहूँगा एक बार पूरे टब्स में ये पेशेंट्स हैं, मैं भाई साहब से भी चाहूँगा एक बार, एक पेशेंट हमारे साथ और हैं। आप सर कहाँ से आप आए हो और क्या तकलीफ थी आपको? सर मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरी डायलिसिस होती है, 3 बारी मेरी किडनी स्क्वीज हो गई थी। तो 7 साल से मेरी, कितने टाइम से डायलिसिस हो रहा है आपका? 7 साल से। 7 साल से। अभी आपको यहाँ लोगों से मिलके यहाँ पे आने से कुछ लग रहा है कि यहाँ कुछ होगा? जी लग रहा है। मैं लाइक मेरी सिर्फ एक डायलिसिस हुई है और 3 दिन हो गए और पानी लाइक बहुत कम बढ़ा, नहीं तो नॉर्मली मेरा डायलिसिस के 2 दिन के बाद गैप में 4.5-5 लीटर पानी बढ़ जाता था। और अभी आपको 3 दिन हो गए डायलिसिस निकला है, तो अभी कितना पानी बढ़ा है? मेरा 300 ml के आसपास बढ़ा। यानी कि उम्मीद है कि इस बार वाला डायलिसिस लेट होगा आपका? जी इस बार का ये है कि मैं शायद ट्यूजडे को कराऊँ, तो मैं 5 दिन तक हो सकता है ना कराऊँ या वेंसडे कराऊँ। तो ये है कि तो आप देश के लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो किडनी फेल या लीवर फेल या कैंसर से जूझ रहे हैं? एक बारी हिम्स में ज़रूर आएँ, अपना यहाँ का तरीका सीखें, उससे ये कि आगे चल के वो अपनी फैमिली में भी लोगों को ठीक रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो मैडम आपके सामने हमारा हिम्स है, हमारा डायलिसिस वार्ड है, बाकी तो आप दर्शक आपके क्या पूछते हैं, क्या समझते हैं, वो आपको ज़्यादा पता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पूरी टीम का। और नेशनल खबर का हिम्स हॉस्पिटल आने का उद्देश्य यही था कि आप सभी दर्शकों को दिखा सकें कि वाकई में जो सच्चाई है वो क्या है। इसलिए हमने एक एक मरीज से बात की और आपको सामने से हमने दिखाया कि वो लोग क्या फील कर रहे हैं, क्या बदलाव उनमें आए हैं और क्या उनका कहना है हिम्स हॉस्पिटल को लेकर। मैं चाहूँगा डॉक्टर श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे थे, डॉक्टर श्रीवास्तव जी। बिल्कुल, जो भी दर्शक आचार्य मनीष जी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि हिम्स हॉस्पिटल बेसिकली एक वर्कशॉप है। यहाँ पे 7 दिन में जो पेशेंट्स आते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं कि क्या गलती आप करके आए हैं, जिसको आपने नहीं करना है, यहाँ से सीख के जाइए और घर पे जाके ठीक होइए। 7 दिन में ठीक कोई नहीं होता, जैसे आचार्य जी कहते हैं 7 दिन में ठीक कोई नहीं होता। यहाँ पे आपको अफेक्ट आता है, आपको पता लगता है कि आपके शरीर की क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको अपने कैसे घर जाके ठीक करना है। लगभग 7 से 8 महीने लगता है और आप अपने रिजल्ट्स की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो हिम्स हॉस्पिटल जैसे आप कह रहे थे कि हम पेशेंट को एडमिट इसलिए करते हैं, हम सिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच। सीरियस ले गए मेरी बात। हिम्स का नाम भी है ना, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, कि ये इंस्टीट्यूट है ट्रेनिंग का, जहां अपना डॉक्टर खुद बनना सिखाया जाता है, अपने आप को हील करना सिखाया जाता है। बिल्कुल। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। चंडीगढ़ में इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुरू किया जिसका नाम है हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, की शुगर, बीपी,
सिर्फ 7 दिन में बिना 1 रुपए की दवाई के 90% लोगों का यहाँ हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में भर्ती होकर खाने पीने को ठीक करके रिवर्स किया जा सकता है। सैकड़ों पेशेंट हो चुके हैं। जितनी ये शुगर चेक करते हैं इतनी कभी आई नहीं, इतनी लो मतलब वॉल्यूम में मेरी शुगर पहले कभी नहीं आई, और कैस्ट्रोल की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। और ये चीज़ें चमत्कार, कोई इनके पास कोई जादू मंत्र नहीं है, ये बंदे का लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, और जो मेडिसिन भी देते हैं वो जड़ी बूटियां हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत बढ़िया है, यहाँ आना हर बंदे को 1 हफ्ता अपने लिए निकालना चाहिए, मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ। हिम्स हॉस्पिटल अब आपके शहर में भी खुल गया है। दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, डेराबसी, अमृतसर, लखनऊ, जयपुर, जोधपुर, मुंबई, लुधियाना, जीरकपुर, संगरूर व अन्य शहरों में भी खुल चुका है। अगर आप भी अपनी किसी भी बीमारी का समाधान पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।